काम भी होगा और अख्तर उली मान साहब करेंगे। वोट कह रहा है भीड़ होती है, वोट में तब्दील नहीं होता है। 2020 में पतंग इतनी उड़ी थी कोचा धामन से कि मास्टर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। पतंग कट रही है, लेकिन इस बार कौन काटेगा पतंग को? पतंग देखिए, मास्टर मुजाहिद हम उसको नहीं कहेंगे, हम मोदी के मुजाहिद उसको कहते हैं, मोदी के मास्टर कहते हैं, योगी के मास्टर कहते हैं। जीत रहा है किशनगंज काफी वोटों से। किशनगंज के इतिहास सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। मैं थोड़ी देर के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली है। तमाम जो यहाँ पर लोग हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से लोगों में एक दीवानगी है ओवैसी साहब को लेकर। यहाँ पर काफ़ी हुजूम है, भारी तादाद में लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी बीच हमारे साथ अररिया के जिला अध्यक्ष रहमत अली साहब मिले हैं, जो यहाँ पर रैली में शिरकत करने आए हैं। उनसे जानेंगे कि यहाँ के जो लोगों में कैसी दीवानगी है और लोग किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर, खुद उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी आपका भी शुक्रिया। द इंडिया टीवी के दर्शक को हमारे तरफ से शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद कि आप आए हैं ओवैसी साहब का कार्यक्रम को कवर। आज ओवैसी साहब की रैली है, बदलाव दिखेगा क्या? आज लोग कहते हैं भीड़ होती है, वोट में तब्दील नहीं होता। देखिए, जिस दिन ओवैसी साहब सीमांचल की धरती पर कदम रखे थे वर्ष 2014-15 में, तभी बदलाव की एक लकीर उन्होंने खींच दी थी। इंशाल्लाह इस बार बदलाव भी होगा और इंशाल्लाह जो सीमांचल के लोगों की चाहत है वो काम भी होगा और अख्तर उली मान साहब करेंगे। लोग कह रहे भीड़ होती है, वोट में तब्दील नहीं होता है। किसने कहा? 2019 में 2,95,000 वोट लोकसभा में पड़े और 2020 में लगभग 5,00,000 वोट विधानसभा में पड़े। आज तक बिहार के इतिहास में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो एक लोकसभा सीट में अकेला अपने दम पर 5,00,000 वोट लाई हो। वो मजलिस लाया है, तो आप कैसे कह सकते हो वोट में कन्वर्ट नहीं होता है? भाई आपके दावे गलत हैं, आपके दावे गलत हैं। आंकड़े देखो द इंडिया टीवी वाले, अब आंकड़े नहीं देख रहे हो आप, बीजेपी की गोदी मीडिया की तरह बात कर रहे हो। आपको मैं बता दूं, बीजेपी कह रही है ओवैसी भड़काने आ रहे मुसलमान। अरे भैया वो क्या क्या नमरूद बोलेगा कि ओवैसी का रहे हैं? जितेंद्र त्यागी ओवैसी के बारे में कैसे बोल सकते हैं? योगी आदित्यनाथ ओवैसी के बारे में कैसे बोल सकते हैं? ओवैसी साहब फायर होते हैं इंसाफ के लिए, फायर होते हैं तरक्की के लिए, फायर होते हैं अपनी हक जो खा रहे हैं उसके खिलाफ फायर होते हैं ओवैसी साहब। तो भाई लेकिन आते आते देर कर दिए ओवैसी। कहाँ देर कर दिए, सबसे पहले चुनावी शंखनाद ओवैसी साहब ने किया था। आपको पता ही होना चाहिए। आप कहीं मिस्टेक कर रहे हो, ओवैसी साहब एक महीना पहले भी आए थे यहाँ और बड़े तादाद में लोगों से बात करके गए और उम्मीदवारी का घोषणा करके 4-4 रैलियां उन्होंने करी किशनगंज में। इसीलिए तो अख्तर उली मान साहब के पक्ष में देखिए माहौल है, जनता पूरे उत्साह में है। पतंग कट रही है, लेकिन इस बार कौन काटेगा पतंग को? पतंग उड़ रही है। कौन काटेगा पतंग को? पतंग को काटने वाली कोई कारतूस ही नहीं बनी है भैया, पंजा काट रही है। भाई पंजा की तो पंचर हो चुकी है, जख्मी हो चुका है पंजा। पंजा जिसके सहारे खड़ा है उसको पूरे किशनगंज के लोग सांसद नहीं बल्कि निकम्मा कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं भैया? निकम्मा कहते हैं ना, तो आप बताइए, लोग निकम्मा कहते हैं उनके सांसद को। जब आपके अरबी घोड़ा के सामने खच्चर लड़ाओगे तो ओवैसी साहब की पतंग खूब उड़ेगी इंशाल्लाह, खूब उड़ेगी इंशाल्लाह। लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर जावेद ने यहाँ पे काम किया है, बताइए आपको कैसे भरोसा करे आपके पार्टी पर? क्या काम किया है डॉक्टर जावेद ने? हाँ, छतरगाछ में मुझे एक लड़के ने बताया था कि सदर साहब जावेद साहब ने काम किए हैं, ये छतरगाछ मार्केट में आजाद बिल्डिंग बनाए हैं और कुछ काम नहीं किए हैं, वो आजाद बिल्डिंग बनाए हैं। तो ऐसा वैसा कुछ काम दिखने वाला नहीं है, अगर वो दिखते तो खदेड़ा खदेड़ी नहीं चलता। हर जगह से जनता खदेड़ रही है। क्या भैया खदेड़ रहे हैं कि नहीं खदेड़ रहे? तब देखिए जीत रहा है किशनगंज काफी वोटों से। किशनगंज के इतिहास सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी और किशनगंज की जनता बड़े पैमानों पर वोट कर रही है और इंशाअल्लाह आप देख लेना रिजल्ट के दिन किशनगंज नंबर 1 होगा।
तीन मुस्लिम चेहरा है, मास्टर मुजाहिद भी आपके सामने है, डॉक्टर जावेद है, अख्तरुल ईमान पे लोग क्यों भरोसा? देखिए मास्टर मुजाहिद हम उसको नहीं कहेंगे, हम मोदी के मुजाहिद उसको कहते हैं, मोदी के मास्टर कहते हैं, योगी के मास्टर कहते हैं, योगी आदित्यनाथ के मास्टर कहते हैं, मोहन भागवत के मास्टर कहते हैं, अमित शाह के मास्टर कहते हैं, वो आरएसएस के मास्टर है, वो किशनगंज के लोगों के दिलों में राज करने वाले मास्टर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आज ओवैसी साहब आएंगे, जीत का मंत्र देंगे क्या? वो जीत का मंत्र की क्या जरूरत है, जनता जीत रही है भाई, जनता जीत रही है, जीत रहे हैं क्या आप लोग यहाँ से? जीत रही है इंशाल्लाह। और एक बात बता दूं, जिस जिस मोदी के मास्टर के बारे में कह रहे हैं, पूछिएगा जरा मास्टर को जाकर, 2020 में पतंग इतनी उड़ी थी कोचा धामन से कि मास्टर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा। पूछ लीजिएगा, मुकाबला हो चुका है और 50,000 वोटों से मास्टर को हराए थे। अच्छा। अभी मास्टर भले ही मास्टर तीर लेके घूम रहा है, लेकिन वो तीर नहीं है, मोदी का फूल है, मोहन भागवत का फूल है, अमित शाह का फूल है, वो तो बलगलाने के लिए लाया है, लेकिन किशनगंज की जनता हरे घास में हरा सांप पहचानती है। आप भी बाबरी मस्जिद के नाम पे डराएंगे यहाँ पर? भैया बाबरी मस्जिद हमारी शहीद हुई है, बाबरी मस्जिद हमारी शहीद हुई है, हमको दर्द है। और वो मुजाहिद साहब जिस पार्टी से लड़ रहे हैं, वो तो आज हमारे दर्द पर और तमाशा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये बाबरी मस्जिद झांकी है, काशी मोतरा बाकी है। तो हम कहते हैं मुजाहिद साहब, संसद बनना ही जरूरी है, कुछ लाज लिहाज कर लेते, कुछ अपने मुस्तकबिल को देख लेते। अरे क्या कांटे भरे ताज से क्या लेना है आपको, आप ईमान वाले हो, आप ईमान का साथ देते, अख्तरुल ईमान का साथ देते, क्यों खंजर भोंकने में लगे हो? आओ अख्तरुल ईमान को समर्थन करो, अख्तरुल ईमान ने एक बार मौलाना असरार साहब को समर्थन किया था कौमी मिल्लत के नाम पर, आपको भी मैं कहता हूँ अख्तरुल ईमान को समर्थन करो, आपको भी कहता हूँ अख्तरुल ईमान को समर्थन करो। बहुत काफी वोटों से जीत रहे हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।